कच्ची गानी मूंगफली का तेल है ओके ऑयल ऑयल ओके रिफाइनरी नहीं है ग्राउंडनट ऑयल है ये रिफाइनरी नहीं ओके नेचुरल जो पुराने जमाने से वो गानी से अपन मिक्सिंग करके वो से ऑयल बनाइए ओके मिलावट एक प्रकार नहीं इसमें ग्राउंडनट ऑयल है कसूरी मेथी हाँ ओके उसको मतलब सब्जी कड़ी में डाल उसका टेस्ट अलग होता है थोड़ा ओके इसमें कितना 1 kg का है मैंने 200 ग्राम ओनली 200 ग्राम पंचकूटा पूरा मिक्स है उसमें 5 आइटम मिक्सिंग देते हैं केर सांगरी गुंडा सूखी लाल मिर्ची अमचूर पूरा मिक्सिंग देता पूरा मिक्सिंग ओके ये देखिए एकदम नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया हुआ तेल जो आपके घर तक पहुंचेगा आप इसको घर बैठे खरीद सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के थ्रू ये एकदम नेचुरल प्रोसेस से खरीदा जाता है जैसे हमारे बुजुर्ग मसाले तैयार करते हैं इसमें होता क्या है कि मसाले गर्म नहीं होते मसाले गर्म होने से उसमें जो पौष्टिकता होती है ये मसाला यूज करें okay. टेस्टिंग में बहुत पूरा फर्क है जो रेगुलर मार्केट से ले रहे उससे okay, नॉर्मल प्रोडक्ट्स लेते हैं उधर पूरा फर्क है वो बहुत टेस्ट है इसके एक बार यूज करने के बाद दूसरा मसाला भूल जाएंगे ऑर्गेनिक है मसाला हमारे पूरा राजस्थान का है okay. तो हम लोग सभी जनों को बोल रहे हैं कि कोई भी यूज कर सकते हैं सब जने यही कोई पूछे तो हम यही सलाह दे रहे कि ये अच्छा चीज है अच्छा खाइए ये जो हमारे मसाले हैं इसको परचेज करने के लिए आप सीधी मारवाड़ी ऐप के थ्रू वेबसाइट के थ्रू अमेजोन फ्लिपकार्ट सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं घर बैठे मंगा सकते हैं हाय फ्रेंड्स वेलकम टू होम एंड ट्रेनर्स चैनल थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सब्सक्रिप्शन अंडी फ्रेंड्स एवरना मैं चैनल फर्स्ट टाइम चूस्टे चैनल सब्सक्राइब చేయండి పక్కన ఒక బెల్ బటన్ వస్తది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి సో దట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ అన్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చండి ఫ్రెండ్స్ కోవిడ్ తర్వాత కావచ్చు కానివ్వండి లేదంటే ఈ మధ్య ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా హెల్త్ కాన్షియస్ పెరిగిపోతున్నదండి ఇంటేక్ చేసే ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ అండ్ న్యాచురల్లీ ప్రాసెస్డ్ మాత్రమే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అట్లాంటి ఒక బెస్ట్ ఆర్గానిక్ అండ్ న్యాచురల్లీ ప్రాసెస్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ గురించి నేను మీకు ఈరోజు వీడియో షేర్ చేస్తున్నానండి అండ్ వీళ్ళ దగ్గర హల్దీ అంటే పసుపు కారము ధనియా పౌడర్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అంతేకాకుండా ఆయిల్స్ అండి మనం ఏదైతే పాతకాలంలో చెక్క గానుగల్లో వాడి తయారు చేసినటువంటి ఆయిల్స్ను ఆ ప్రాసెస్ని మిషనరీ ద్వారా తయారు చేసి లో హీట్లో ఉండేటట్టు లో ఆర్పిఎంలో ఉండేటట్టు మనకి ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేయబడుతున్నాయి అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో దొరకడంతో పాటు వాళ్ళ సిద్ధి మార్వాడి అనే యాప్ ఉన్న దాంట్లో ఆర్డర్ చేస్తే కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డెలివరీ అనేది అవైలబుల్ ఉన్నది అండ్ రీటైల్ స్టోర్ కూడా మనకి బేగంబజార్లో పెట్టడం జరిగింది ఆ స్టోర్కి వెళ్ళి మీరు కూడా డైరెక్ట్ పర్చేజ్ చేయొచ్చు 200 grams 500 grams 1 kg 5 kg 15 kg క్వాంటిటీస్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోకి వెళ్దాం వీడియోని లైక్ చేయండి లెట్స్ గో టు ద వీడియో हल्दी और धनिया को हमने धूप में रख दिया है ताकि इसमें जो नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और इसको कूटने में आसानी होगी ये हमारे गांव की फेमस कूड़ी की मिर्चें हैं और ये जो मिर्चें हैं हमने गिली मिर्चें या किसानों से डायरेक्ट खरीदी है और इनको यहीं पर खेत में 15 दिन सुखा दिया और अब ये सूख के तैयार हो गई है सबसे पहले हम मिर्ची का जो ये डंठल होता है इसको हटाएंगे जोधपुर में सोयला मथानिया पूड़ी जैसे गांव की बहुत ही फेमस मिर्चें होती है ये जो मिर्ची होती है एकदम देसी होती है और इसका एकदम लाल कलर आता है ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है ये है हमारी ओखली इसमें हल्दी और मिर्चें कूटी जाती है तो इसमें कैसे प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ जैसे पुराने टाइम में हम ओखली से कूटते थे घर में मसालों को तो उसी टाइप से अभी ये मशीन पे फिट किया गया है तो इसमें ये जो दो लकड़ी के कूटने के लिए लगे हुए हैं और ये जो है अंदर का ये पत्थर का बना हुआ है जैसे पुराने टाइम में हमारे पहले बुजुर्ग जो मसालों को कूट कर तैयार करते थे उसी टाइप से और वही पारंपरिक प्रोसेस से ये सारे मसाले तैयार होते हैं और इसका मैं बिना ढक्कन लगाए एक बार आपको दिखाती हूँ कि ये चलती कैसे है इसमें ये हल्दी कैसे कूटी जाती है कैसे प्रोसेस होता है तो वो सब मैं दिखाती हूँ ये एकदम नेचुरल प्रोसेस से कूटा जाता है जैसे हमारे बुजुर्ग मसाले तैयार करते हैं इसमें होता क्या है कि मसाले गर्म नहीं होते मसाले गर्म होने से उसमें जो पौष्टिकता होती है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो इसमें जो मसाला में पौष्टिकता होती है जो तत्व जो गुण पाए जाते हैं हल्दी और मिर्ची को कूट कर बर्तन में निकाल लिया है अब हम इसको लेके जाएंगे छानने के लिए मशीन को चालू कर लिया है एक में छानी जाती है हल्दी दूसरे में धनिया और इसमें मिर्ची तो इसमें मिर्ची भी डाल देते हैं साथ साथ में ये जो कूटी हुई मिर्ची होती है उनको थोड़ा थोड़ा करके हम छानते हैं
जैसे हम इस पुराने टाइम में मसालों को तैयार किया जाता है हाथ से, तो उसी प्रोसेस से ये सारे मसाले तैयार होते हैं। पहले इसको कूटा जाता है, फिर छाना जाता है, जो उसमें बच जाता है उसको घट्टी के अंदर पीसा जाता है। तो वो घट्टी के अंदर कैसे पीसा जाता है मैं बताती हूँ आपको। इसमें धीरे धीरे करके इसके अंदर आता है और ये मोटर से कम आरपीएम, लो आरपीएम पर पीसा जाता है। इस मसालों की खास बात ये है कि ये एकदम जब पीस कर बाहर आते हैं तो भी एकदम ठंडे रहते हैं, बिल्कुल भी हीट नहीं होता, एकदम बहुत गर्म नहीं होते, एकदम ठंडे मसाले पीसे जाते हैं। ये सील लगकर तैयार है। इसी तरह हम सारे जो पाउच है उस पर सील और पैकेजिंग डेट और बैच नंबर लगा कर तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। दो सौ ग्राम इसमें हल्दी आ गई है, इसको पैक कर लेते हैं। इसके ऊपर पहले जिपर लगा हुआ है, वो जिपर पैक कर लेते हैं और फिर इसको सीलिंग मशीन पर रखकर सील कर लेते हैं। ये देखो हमारा हल्दी का जो पाउच है फाइनली तैयार हो गया है और अब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। एकदम नेचुरल प्रोसेस से तैयार किए हुए हमारे मसाले सिद्धि मारवाड़ी नाम से। ये जो हमारे मसाले हैं इसको परचेज करने के लिए आप सिद्धि मारवाड़ी ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं। ये लगभग 11 किलो मूंगफली ले ली है, इसको हम डालेंगे घाणी में। आप लोगों तक हर चीज़ नेचुरल प्रोसेस से तैयार होकर आपको भी मिले। इधर मूंगफली का तेल निकल रहा है और इधर एक दूसरी घाणी है, इसमें सरसों का तेल निकल रहा है। ये देखिए एकदम नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया हुआ तेल जो आपके घर तक पहुंचेगा। आप इसको घर बैठे खरीद सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के थ्रू। अब हम इस बोतल में तेल डाल देते हैं। ये बराबर एक लीटर यानी 900 ग्राम तेल हो गया है। इस बोतल के ऊपर ढक्कन लगा लेते हैं। हाय भैया। हाय भैया, हमारे बिजनेस के बारे में, बिजनेस का डिटेल्स एड्रेस बता। ये हमारा सिद्धि मारवाड़ी का है। ओके। ये अपना बेगम बाजार में संतोष दबाग सामने लक्ष्मी बालाजी कॉम्प्लेक्स में। ओके। ग्राउंड फ्लोर शॉप नंबर 1। ओके। आपका प्रोडक्ट क्या है भाई, आपका बिजनेस क्या है? जैसे राजस्थान के अपना मिर्च पाउडर है। ओके। धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है। ओके। तीन मसाले हैं, उसके बाद हमारे चार प्रकार के ऑयल है। ओके। जैसे कच्ची घानी तिल का ऑयल है, मूंगफली का कच्ची घानी का ऑयल है। ओके। पीली सरसों का ऑयल है और काली सरसों का ऑयल है। पूरा मसाला एंड ऑयल्स का बिजनेस, कच्ची घानी ऑयल पूरे। ओके। आपका ओन मैन्युफैक्चरिंग है भैया? ओन नहीं, हमारा ओन मैन्युफैक्चर है लेकिन वो जोधपुर से हो जाते हैं। ओके। जोधपुर से इधर हमारा जो मेन मैन्युफैक्चर है, जो प्लांट है, वो हमारा जोधपुर में है। ओके। सिद्धि मारवाड़ी ब्रांड है आपका? सिद्धि मारवाड़ी के नाम से हमारा ब्रांड है। ओके। आप होलसेल रिटेल है भैया आपका? हमारा रिटेल है, पूरा पूरा रिटेल है, पूरा रिटेल। ओके। शॉप का है तो कितना भी ले सकते हैं? शॉप का कितना भी ले सकते हैं। ओके। कोरियर पर करना पड़ता तो कितना? कोरियर हमारा जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे। ओके। जैसे हमारा खुद का ऐप है सिद्धि मारवाड़ी का। ओके। आप ऑर्डर कर सकते हो। ओके भाई, आपका प्रोडक्ट लेना है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, हमारा ओन ऐप भी है। हाँ। और स्टोर से लेना बोलते तो कोरियर भी करते हैं? कोरियर तो हम देते हैं। ओके। सप्लाई होती है हमारी पूरी। ओके। किधर किधर भी ऑल ओवर इंडिया कर देते हैं? ऑल ओवर हैदराबाद। ऑल ओवर हैदराबाद। ओके। हैदराबाद के आजू बाजू सिटी में कोई भी सिटी वहाँ बोलो हम डिलीवरी देते हैं। बाहर भी भेज देते हैं? बाहर भी भेजते हैं। चार्जेस अलग रखता है? हाँ। चार्जेस तो कस्टमर पर डिपेंड करके हमारा चार्ज होता पूरा। ओके। चलो भाई, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है एक बार देखें। हमारे पास ये लाल मिर्ची पाउडर है 200 ग्राम में। 200 ग्राम। हाँ। ओके। कितने कितने क्वांटिटी में रहता है हमारा? 200 ग्राम 1 kg। 1 kg। हाँ। दो में भी मसाला। मसाले कितने मसाला है आपके पास? अपने पास तीन मसाले। ओके। जैसे ये मिर्ची पाउडर है। ओके। ये दूसरा अपना हो गया धनिया पाउडर, हो गया ये कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर ये। ओके। नेचुरल पीवर। ओके। पूरा ऑर्गेनिक रहता है? ऑर्गेनिक पूरा। ओके। आप भी मुझे
उसके बाद तीसरा ये आया हल्दी पाउडर आ गया, हल्दी पाउडर हाँ, टर्मरिक पाउडर टर्मरिक पाउडर सेम इसका ये भी ओके, इसके लो आरपीएम से पीसा जाता है ओके, ये अपना ग्रेनाइट स्टोन से जो पत्थर से पीसे थे ओके, पत्थर से करते करते पीसते हैं, पत्थर से पीसे मसाले पूरे ओके, 200 ग्राम का है, 200 ग्राम है ओके, 1 kg का देखिए। उसके बाद अपने ये वापिस लाल मिर्ची आ गया, 1 kg आ गया, 1 kg पैकेट्स हाँ, 1 kg पैकेट तो सेम ही वही डिटेल रहती पूरा, लो आरपीएम पीएम से पीछे जाते 100% नेचुरल है ओके, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है ओके। एक कोरिएंडर पाउडर ये कोई हाँ, ये अपना वापस धनिया पाउडर है वही 1 kg में अपना 1 kg सेम प्रोसेस लो आरपीएम पे 200 ग्राम्स एंड 1 kg का रहता है, तीन कोरिएंडर पाउडर, धनिया टर्मरिक पाउडर एंड मिर्ची पाउडर हाँ यस ओके। कच्ची गानी मूंगफली का तेल है ओके, ऑयल ऑयल ओके, रिफाइनरी नहीं है, ग्राउंडनट ऑयल है, ये रिफाइनरी ओके, ये नेचुरल जो पुराने जमाने से वो गाने से अपन मिक्सिंग करके वो से बगैर ऑयल बनाइए ओके, मिलावट एक प्रकार नहीं इसमें, ग्राउंडनट ऑयल है। ऑयल्स में कितने वैरायटीज है? और चार होंगे, चार वैरायटीज क्या क्या भैया? जैसे ये अपना एक मूंगफली का गया ओके, उसके बाद अपना ये पूरा मूंगफली का है पूरा ओके, ये पूरा ग्राउंडनट का, पूरा नट का पूरा ओके, पूरा 1 kg का, पूरा पूरा 1 kg का, ये 200 ml का है ना? ये नहीं, 500 ml कितने क्वांटिटी रहता है भैया इसमें? इसमें हमारे पास रहता है 1/2 kg, 1 kg, 5 kg और 15 लीटर 15 लीटर ओके। नेक्स्ट अपना ये इसके बाद में कच्ची गानी तिल्ली का तेल ओके, सीसम तेल, सीसम ऑयल बोलते हैं इसको ओके, ये 1 लीटर का है ना? 1 लीटर का ये ओके, उसमें 1 का है 5 का है ओके, और वही है सेम 5 लीटर 15 लीटर्स हाफ 1 लीटर 5 लीटर 15 लीटर्स ओके। नहीं उसके बाद ये अपना मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल ससू का, पिल्ली ससू बोलते ना ओके, हाँ वही ब्लैक मस्टर्ड ऑयल ओके, इसमें भी सेम 1 लीटर सेम 1.5 और ओके, एक 200 1/2 लीटर भी ले सकते हैं ना, हाफ लीटर कुछ भी ले सकते ओके। चलो भैया मसाला क्या क्या आपके पास देखेंगे? मसाला इसके बाद हमने राजस्थानी सब्जियां की वापिस वेजिटेबल पूरी, जैसे हमारे नागौर की सबसे कसूरी मेथी बोलते हैं ओके, कसूरी मेथी हाँ ओके, उसको मतलब सब्जी कड़ी में डाल उसका टेस्ट अलग होता है थोड़ा ओके। इसमें कितना 1 kg का है? इसमें नहीं, 200 ग्राम ओनली 200 ग्राम ओके। और नेक्स्ट क्या है भैया? उसके बाद में ये हमारे राजस्थान की सूखी गवारफली, गवारफली ओके, जो खेत से उसको तोड़ के उसको खाते पूरी ओके, उसमें कुछ केमिकल कुछ भी है, कुछ पूरी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है हाँ, पूरा हमारे पास ऑर्गेनिक ही रहता है। ये उसके बाद में गवारफली यही है, उसको पानी में बॉइल करके होते हैं, बॉइल्ड वाला है, पानी बॉइल करके धूप में डालते हैं okay. सूखने के बाद वो भी पैक होती है ओके okay. ये अपने राजस्थान का केर सांगरी, जिसको बोलते हैं सूखा मेवा, ड्राई सांगरी ओके, 200 ग्राम है ये अपने। उसके बाद में पूरा सब्जी में यूज करते हैं, सब्जी आई पूरी सब्जियां पूरी मसाला सब्जी में यूज करते हैं। ये अपना जो सूखा गूंदा आ गया, सूखा गूंदा ओके, ये अपना आ गया पंचकूटा, पंचकूटा पूरा मिक्स रहता है, 5 आइटम मिक्सिंग देते हैं, केर सांगरी गूंदा सूखी लाल मिर्ची अमचूर पूरा मिक्सिंग देता, पूरा मिक्सिंग हाँ ओके। ये हमारे राजस्थान के सूखी काचरी, सूखी काचरी किधर यूज करते हैं भैया? ये अपने चटनी वगैरह में, जब चटनी बगन उसमें काम आते हैं, सब्जी में काम आते हैं ओके हाँ, उसकी सब्जी बनती है ओके, ये गवारफली की और उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ओके, उनकी अच्छी साथ में उनकी बहुत टेस्टिंग सब्जी बनती है ओके, ये पूरा ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक है ओके। उसके बाद ये आ गया मैं आगे अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर हाँ, अमचूर का है ओके। या उसका उसको पीस के अमचूर पाउडर जो सब्जी में हम किस चीज में खटाई के लिए यूज करते हैं ओके, अमचूर पाउडर टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए ओके। या उसके बाद आ गया हमने कुमठिया ओके हाँ, ड्राई कुमठिया, ड्राई कुमठिया ये भी खाने में बहुत टेस्ट रहते हैं ओके हाँ। या गया उसके बाद हमारा केर ओके, ड्राई केर, ड्राई केर ओके, उसकी भी सब्जी बनती है, सब्जी में भी काम आता है, तलने में भी काम आता है ओके। उसके बाद ये अपना आ राई पाउडर, मस्टर्ड सीड से हाँ, मटर सीड, ये अपना जो साग के अंदर बंगार में लगाते हैं वो है ओके हाँ। ये आ गया उसके बाद अपना जीरा, जीरा ओके हाँ, ये पूरा नेचुरल है, नेचुरल है हाँ, होते ये पूरा प्रोडक्ट नेचुरल है, पूरा नेचुरल है पूरा, कोई और केमिकल कोई मिलावट कुछ भी नहीं है ओके हाँ। उसके बाद ये अपना आ गया मेथी, मेथी आपको माल नहीं देते ओके, हमारा कस्टमर क्या चला के दुकान पे आना, पूरा देखना ओके, पूरा समझना ओके, क्या हिसाब से उनका माल बन रहा है ओके, क्या ट्रेडिशनल उनकी ओके, कैसे उनका मसाला पीसे जाते हैं, कैसे सुखाए जाते हैं और कैसे उनको पे करते हैं। आपका प्रोडक्ट्स पूरा फ्लिपकार्ट अमेजन एंड ओन ऐप भी है, ओन प्लेटफॉर्म पे हमारा है ओके हाँ। तो स्टोर से लेना हो तो मिनिमम 2000 बिल करे तो आप कुरियर भी कर देते हैं
एक्स्ट्रा चार्जेस लेके तो दुकान से आप हमारे ऑर्डर करते हैं हम डिलीवरी देते हैं। ओके तो सीटिंग कुछ नियर बाय हुआ तो हम दे देते हैं और थोड़ा सा 10 किलो पर चार्ज लेते हैं हम डिलीवरी चार्ज देते हैं। ओके ये हमारे रेगुलर कस्टमर है। ओके ये इन मसले को 3-4 यूज कर चुके हैं। ओके रेगुलर आते हैं आपके पास? आते हैं हमारे पास। ओके तो आज फील हो रहा है हमारे पास तो प्रेम जी इसके बारे में डिटेल दो। ओके कैसे हमारे मसाले? हाय सर। हाय कैसा रहता भैया प्रोडक्ट? मसाला यूज करें। ओके टेस्टिंग में बहुत पूरा फर्क है जो रेगुलर मार्केट से ले रहे उससे। ओके नॉर्मल प्रोडक्ट्स लेते हैं ना उधर पूरा फर्क है वो बहुत टेस्ट है इसके। एक बार यूज करने के बाद ओके दूसरा मसाला भूल जाएंगे। ओके पूरा ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है मसाला हमारा पूरा राजस्थान का है। ओके हम लोग सभी जनों को बोल रहे हैं कि कोई भी यूज कर सकते हैं राजस्थान सब जने। यही कोई पूछे तो हम यही सलाह दे रहे हैं कि ये अच्छा चीज है अच्छा खाइए। ओके ऑर्गेनिक चीज है कोई भी ऑयल भी अच्छा है ऑयल वगैरह ये मसाला सब्जी वगैरह। ओके मैं 2 बार लेके गया अभी और लेने के लिए आया हूँ। सुपर पूरा मसाला वगैरह सुपर सर थैंक यू सर। हाँ फ्रेंड्स मैं ान फस्ट टाइम चूस्त ान सब्सक्रैब् चुस्को नैन मंच वीडियो वस्तान। बाय बाय।